हे गाइस, दिस इज प्रीति। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 4 जुलाई के करंट अफेयर। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहूंगी कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक से पीडीएफ को डाउनलोड करके आप रिविजन कर सकते हैं। बात करेंगे कल के क्वेश्चन के, तो कल का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे था, दुनिया का सबसे दक्षिणी शहर कौन सा बना है। तो सबसे दक्षिणी शहर है प्यूटो विलियम्स, या कहाँ पे स्थित है, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पे स्थित है प्यूटो विलियम्स। अब आज का क्वेश्चन देखते हैं कि 4 जुलाई के हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, AES तथा JE रोग के लिए किस राज्य की सरकार ने दस्तक अभियान लॉन्च किया है। तो दस्तक अभियान लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा। इसमें क्या किया जाएगा कि जागरूकता फैलाया जाएगा, इस रोग के बारे में लोगों के बीच में जागरूकता फैलाया जाएगा, और इस अभियान को यूनिसेफ की सहायता से लॉन्च किया गया है, जिसमें घर घर जा करके इस रोग के बारे में जागरूकता फैलाया जाएगा। AES के फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम, और JE का फुल फॉर्म है जापानी इंसेफ्लाइटिस। यह रोग बहुत तेजी से ही अपना प्रकोप बढ़ा रहा है, इस वजह से इस तरह का अभियान चलाया जा रहा है, जिसको यूपी के 75 डिस्ट्रिक्ट में 1 से लेकर के 31 जुलाई के मध्य में चलाया जाएगा। अब हम लोग बात करें अगर यूपी के बारे में, तो ये देखिए मैप में हमारा यूपी है, और यूपी की कैपिटल है लखनऊ, चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, और यहाँ के गवर्नर हैं राम नाईक। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में स्ट्राइड योजना को किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है। अब देखिए, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से कई प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे आपसे ये पूछ सकता है कि स्ट्राइड योजना में आर का क्या मतलब है। अगर आप लोग एग्ज़ाम देते होंगे तो आपको पता होगा कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आर का क्या मतलब है। ठीक है, तो अभी हम उन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। पहले इसका सही आंसर जान लेते हैं। तो इसका सही आंसर है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इसको शुरू किया गया है UGC के द्वारा। अब आपके मन में पहला क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसका फुल फॉर्म क्या है। इसका फुल फॉर्म है स्कीम फॉर ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडियाज डेवलपिंग इकोनॉमी। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि युवाओं की प्रतिभा को पहचान करना और अनुसंधान की संस्कृति और नवाचार को बढ़ावा देना। UGC की बात करें तो UGC, पता आप सभी लोगों को कि जो हमारा नेट का पेपर होता है या किसके द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, UGC के द्वारा ही कंडक्ट कराया जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1953 में, जो हमारे वर्तमान उस समय तात्कालिक शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इन्हीं के द्वारा इसको औपचारिक तौर पर शुरू किया गया है। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है नई दिल्ली, और इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। कहाँ कहाँ पे हैं? तो पहला तो है हमारा पुणे है, फिर हमारा भोपाल एंड देन कोलकाता, उसके बाद हमारा हैदराबाद, गुवाहाटी और बंगलुरु। जो मेन आपका क्वेश्चन है, एक तो आप UGC के गठन को याद रखिएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में जम्मू कश्मीर के किस ज़िले में 312 पंचायतों को तंबाकू मुक्त करने के लिए ऑपरेशन कुमार लॉन्च किया गया है। तंबाकू से देखिए हमारे कई तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे अभी हमने 31 मई को मनाया है तंबाकू निषेध दिवस के रूप में। ठीक है, 31 मई को हमारा था तंबाकू निषेध दिवस। इसका थीम क्या था? इसका थीम था तंबाकू और फेफड़ों का स्वास्थ्य, और जितने भी अलग अलग राज्य हैं वो अलग अलग टाइम पे खुद को तंबाकू मुक्त करने के लिए अलग अलग ऑपरेशन चला रहे हैं। तो अभी हाल ही में ऑपरेशन चलाया गया है जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले में। आपको ये जो क्विट लाइन नंबर दिख रहा है, यह नंबर भी एक लॉन्च किया गया है, जिसकी मदद से अगर कोई भी व्यक्ति तंबाकू छोड़ना चाहता है तो वह इस क्विट लाइन नंबर पर कॉल करके तंबाकू को छोड़ने के लिए यहाँ पर बात कर सकता है, और वहाँ पर उसकी हेल्प की जाएगी। जम्मू कश्मीर की बात करें तो आपको पता है जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया गया है। किस आर्टिकल के द्वारा? तो आर्टिकल 370 के द्वारा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री पे मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया था, जिससे आपको ये समझ में आ सके कि क्या क्या है, क्या रीज़न है कि जम्मू को स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया गया है। चलिए बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, त्रिनेत्र ट्रिकोलॉजी का संबंध किस संगठन से है। अब त्रिनेत्र से लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये मेडिकल से संबंधित है, जबकि यह किससे संबंधित है? भारतीय रेल से संबंधित है, और ये हमारे रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल।
ठीक, इसमें किया क्या जाएगा, त्रिनेत्र में आखिर ऐसा क्या किया जाएगा। इसका फुल फॉर्म है टेरेन इमेजिंग फॉर ड्राइवर्स इंफ्रारेड इनहेंस ऑप्टिकल एंड राडार असिस्टेड। हिंदी में अगर हम लोग बात करें तो इसका सीधा सा मतलब है कि ट्रेन जब धुंध होता है, जब कोहरा पड़ता है, तो उस समय ट्रेन को रद्द कर दिया जाएगा। अगर अब यह सिस्टम अच्छे से सफल हो जाता है तो इससे जो रेल मार्ग में बाधाएं आती हैं, धुंध में भी उनका पता लगाया जा सकता है। ठीक, तो इसको याद रखिएगा। इसके साथ साथ या भी याद रखिए कि इस समय भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है, तो वंदे भारत है भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस भारतीय धरोहर को यूनेस्को में शामिल किए जाने की घोषणा किया गया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को करेक्ट करूँगी, यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किए जाने की घोषणा किया गया है। देखते हैं कौन सा है। इसमें हमारा सही आंसर होगा कैलाश मानसरोवर। याद रखिएगा, इसको शामिल किया जाएगा अस्थाई, ठीक है, अस्थाई सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में। अप्रैल 2019 में इसको मिश्रित स्थल के रूप में शामिल करने के लिए प्रस्तावित किया गया है। ठीक, वर्तमान में अगर हम लोग बात करें कि भारत के कुल कितने ऐसे स्थल हैं जो कि यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में सम्मिलित हैं, तो टोटल 37 हैं। ठीक, जिसमें कुछ तो मूर्त हैं और कुछ अमूर्त हैं। अमूर्त में क्या होता है कि जिसे हम छू नहीं सकते हैं, उसको जैसे कोई गाना हो गया, होता है ना कि कोई गाना लिख दिया है कोई, या फिर कोई मेला, जैसे कुंभ मेले को भी अभी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थल में शामिल किया गया है। अब इसमें 37 जो हमारा मूर्त विरासत धरोहर स्थल है, इसमें 29 तो सांस्कृतिक स्थल हैं, 7 प्राकृतिक स्थल हैं और 1 हमारा मिश्रित स्थल है। इसको याद रखिएगा। मैं सोच रही हूँ जो 37 हमारे विरासत स्थल हैं, इनके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बना करके आपको रिवाइज करा दिया जाए कि कौन कौन से ऐसे स्थल हैं जिनको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में सम्मिलित किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विश्व कार शांति रैली कहाँ से कहाँ तक निकाली गई है। इसको निकाला गया है साबरमती आश्रम से लेकर के लंदन तक। इसका आप साबरमती आश्रम की बात आ गई तो तुरंत आपका माइंड जाना चाहिए गांधी जी के ऊपर, क्योंकि इसके स्थापना किसने किया है, गांधी जी ने किया है। आपको पता है संयुक्त राष्ट्र ने 2019 से लेकर के 2028 तक का जो पीरियड है, दशक है, इसको नेल्सन मंडेला शांति दशक के रूप में मनाए जाने की घोषणा किया है। ठीक, तो इस अवसर पर विश्व कार शांति रैली निकाली जाएगी, किसके द्वारा, श्री साई महिला एवं बाल कल्याण ट्रस्ट के द्वारा। इसकी शुरुआत किया जाएगा अहमदाबाद से 1 जुलाई को और इसमें 41 दिन के अंदर 15 देशों को पार करके 17,000 किलोमीटर की दूरी तय करके लंदन पहुंचा जाएगा। तो इसको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा, दुनिया की सबसे छोटी फ्लाइट किस एयरलाइन द्वारा शुरू की गई है। इसको शुरू किया गया है अमीरात एयरलाइन के द्वारा। अमीरात का सीधा सा क्या है हमारा, यूनाइटेड अरब अमीरात, और आपको पता होना चाहिए कि इसकी कैपिटल है अबू धाबी। अबू धाबी में अभी हमारा एक सिक्योरिटी अलायंस का एक्सरसाइज भी हुआ है, मैंने अभी आपको कल के क्वेश्चन में पढ़ाया है। यह फ्लाइट शुरू किया गया है दुबई से लेकर के मस्कट के बीच में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में आपस्पा को 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया है। इसको बढ़ा दिया गया है नागालैंड में। आपस्पा कानून लगाया जाता है ऐसे जगहों पर जहाँ पे जो लोग होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है, जैसे जम्मू कश्मीर में भी आपस्पा लगा है, अरुणाचल प्रदेश, ऐसे जहाँ पे बहुत ज़्यादा उपद्रवी हो, वहाँ पे मारपीट ज़्यादा होती हो, वहाँ पे आतंकवादी गतिविधियाँ ज़्यादा होती हों, उन जगहों पर लगाया जाता है आपस्पा कानून को। ठीक है, नागालैंड की अगर हम लोग बात करें तो अभी मैंने कल परसों में आपको पढ़ाया था कि नागालैंड नागरिकों का, जो कि वहाँ के स्थानीय निवासी हैं, उनका एक रजिस्टर तैयार करेगा, और इसके पहले यह काम किसने किया है, असम सरकार के द्वारा यह काम किया गया है। नागालैंड के कैपिटल की बात करें तो मैप में देखिए ये हमारा नागालैंड, और इसकी कैपिटल है कोहिमा, चीफ मिनिस्टर है नेपियू रियो, और इसके अलावा गवर्नर हैं बाल कृष्ण आचार्य। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस देश ने पहली बैटरी चालित क्रूज शिप को लॉन्च किया है। ठीक, तो इसको लॉन्च किया गया है नॉर्वे के द्वारा। देखिए इस तरह के जो काम होते हैं, और बहुत से इंडेक्स में आप देखते होंगे कि नॉर्वे नंबर 1 पे रहता है, क्योंकि वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो भी काफ़ी अच्छी है, और इसी वजह से वहाँ नॉर्वे कई मामलों में 1 पे रहता है। अभी आपको पता होगा कि नॉर्वे ने कुछ टाइम पहले एक इलेक्ट्रिक कार स्टेशन भी बनाया था। ठीक, नॉर्वे की कैपिटल की बात करें तो इसकी कैपिटल है ओस्लो, और यह एक यूरोपियन कंट्री है। इसकी संसद को क्या कहते हैं, इसकी संसद को कहते हैं स्टोर्टिंग। ठीक,
नेक्स्ट है हमारा, किस देश ने एकल यूज वाले प्लास्टिक शॉपिंग बैग पर प्रतिबंध लगा दिया? ऐसा करने वाला है न्यूजीलैंड। इससे क्या किया जा रहा है कि जो हमारा इन्वायरमेंट है वो प्लास्टिक की वजह से बहुत तेज़ी से पल्यूट हो रहा है, तो इससे बचने के लिए इस तरह की योजनाएं लाई जा रही है। अभी कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था दुबई की एक एयरलाइन है जिसने यह कहा है कि हमारा जो फ्लाइट होगा उस पर वह सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त होगा। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि कैनाडा भी सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त होने की घोषणा कर चुका है। अगर न्यूजीलैंड की बात करें तो वहाँ पर कोई भी व्यक्ति अगर इसका उल्लंघन करता है तो उसको $100,000 का जुर्माना भी देना पड़ेगा। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अब हम लोग कल के क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। कल का हमारा क्वेश्चन था कि 7 समिट चैलेंज को कंप्लीट करने वाली पहली भारतीय महिला आईपीएस कौन बनी है? इनका नाम है अपर्णा कुमार। नेक्स्ट है हमारा, स्विस नेशनल बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार स्विस बैंकों में जमा धन के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? भारत है 74th रैंक पे। 2018 की बात करें तो उसमें भारत 73 रैंक पे था। नंबर 1 पे कौन सा है? ब्रिटेन है, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि नरेंद्र मोदी ने ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस के सदस्य देशों को क्या नाम दिया है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होता है? सूर्य पुत्र नाम दिया गया है, क्योंकि इसमें सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा, विश्व कप के इतिहास में लगातार 5 अर्धशतक लगाने वाले पहले कप्तान कौन बने हैं? इनका नाम है विराट कोहली। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलियाई, यहाँ पे देखिए कल भी मिस्टेक था, ऑस्ट्रेलियाई नहीं होगा, ऑस्ट्रेलियाई को जीता है वॉल्टेरी बुटास ने। यहाँ पे क्या होगा हमारा, ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड पी 2019 किसने जीता? इसको जीता है मैक्स वेरस्टैपेन ने। ठीक, अगला हमारा, माई सोडिशियस हर्ट की लेखिका कौन है? इसकी लेखिका है अरुंधति राय और इनकी पहली पुस्तक थी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इसको बुकर प्राइज से सम्मानित भी किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, न्यू दिल्ली कॉन्स्पिरेंसी की लेखिका कौन है? इसकी लेखिका है मीनाक्षी लेखी। ठीक, नेक्स्ट है हमारा कि 17 OBC जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किया है किसने, या किया गया है UP गवर्नमेंट के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा, आइसलेक्स 19 अभ्यास की मेजबानी किसने किया? तो अबू धाबी ने किया है आइसलेक्स 19 अभ्यास की मेजबानी। एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत ने किस देश के साथ 200 करोड़ का एंटी टैंक मिसाइल का समझौता किया है? तो भारत ने रशिया के साथ एंटी टैंक मिसाइल का समझौता किया है। ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एंड कल का आप आज जो आपसे मैं क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ इसका नाम है BSNL के CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपको सोचना है और सोच के इसका आंसर देना है। ठीक, तो ये थे आज के आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।